आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उस बीजेपी सांसद की जिसने मायावती पर दी है विवादित बयान। यूपी के घोसी से बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने विवादास्पद बयान दिया है। हरि नारायण ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती और मुगलसराय से विधायक साधना सिंह को एक ही आचरण की महिलाएं बताया है। जैसा मायावती वैसा वो विधायक, उन सबों के बारे में हम क्या टिप्पणी करेंगे। वो तो एक ही आचरण की दोनों महिलाएं थी, अपने में थोड़ा कर ली होंगी, ये तो होता रहता है। बीजेपी विधायक साधना सिंह ने 3 दिन पहले मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी जिस पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अब वहीं देखिए, मायावती विवादित बयान प्रकरण में एक बीएसपी नेता ने बीजेपी विधायक जिसने ये बयान दिया था उसके सिर पर इनाम रख दिया है। यूपी के मुरादाबाद में बीएसपी के पूर्व विधायक विजय यादव ने फिर की है गंदी बात। विजय यादव ने बीजेपी के विधायक साधना सिंह का सिर कलम करने वाले को 50 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। हम उस शख्स को 50 लाख रुपए चंदा करके समर्थक कार्यकर्ताओं से देंगे जो उनका सिर कलम करके लाके हमें देगा। मुगलसराय से बीजेपी विधायक साधना सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हम लोगों को और महिला कहने में भी संकोच लगता है कि वो तो फिर ज्यादा बदतर है क्योंकि वो नर है न महिला है। लेकिन सवाल ये है कि एक अभद्र टिप्पणी के जवाब में भड़काऊ बयान कैसे जायज हो सकता है। विजय यादव पहले भी बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने की धमकी दे चुके हैं। यूपी में एक बीजेपी विधायक के गंदे बोल सुनिए। ये हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानी प्रेमी कुत्ते हैं ये, जो हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। बार बार राशिद अलवी का ये कहना कि सुहेल इसमें इन्वॉल्व नहीं था, सुहेल को जो है आतंकवादी बनाया गया है, इस चीज का भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये भी आतंकवादियों से मिला हुआ है। ये बार बार अमरोहा क्यों आता है, ये बार बार मदरसों में क्यों जाता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।